एनएसयूआई ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि विगत 15 वर्षों के भाजपा शासनकाल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। इसको सुधारने हेतु एनएसयूआई पूरे प्रदेश में शिक्षा के शुद्धिकरण के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम चलाएगा। एनएसयूआई ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं विगत 15 वर्षों में भाजपा शासन काल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा माफियाओं ने अपनी जड़ें जमा ली है, शिक्षा व्यवस्था को अशुद्ध कर दिया है, उस अशुद्ध के खिलाफ शुद्धि का एक मुहिम हमने शुरू की है। एनएसयूआई माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस सरकार के साथ समन्वय में एक पूरी मुहिम चला रही है, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की शिक्षा माफियाओं को के ऊपर सख्त कार्यवाही हो सके उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी निश्चित ही हम समझते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा माफियों को पूर्णतः खत्म कर दिया जाए। मुहिम चल रही है शुद्ध के लिए युद्ध, उसी के बारे में बताना चाहते हैं आपको। शिक्षा माफिया विगत 15 सालों में मध्य प्रदेश में इतना फला फूला है और खासकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इन सब जो विभाग हैं इन सभी में धड़ल्ले से धांधली हुई है। मैं सिलसिलेवार आपको बताना चाहूँगा कि तकनीकी शिक्षा से अगर हम शुरू करें तो तकनीकी शिक्षा में केंद्रीय संस्थाएं जो हमारी हैं, एमसीआई है, डीसीआई है, एआईसीटीई है, एनसीटी है, इन सभी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं पिछले 15 सालों में निजी कॉलेज संचालकों द्वारा इन नियमों का धड़ल्ले से इनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, इनको दरकिनार किया गया है।